हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में हमारे चैनल पर। और आपके लिए हम लेकर आए हैं अपना लेटेस्ट परचेज, जिसकी अभी हमने थोड़े दिन पहले अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी। मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, इसका नाम भी आप गेस कर पा रहे होंगे, और जो लोग नहीं गेस कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये है कैनन का EOS R8 कैमरा, जो कि अपने आप में एक फ्लैगशिप कैमरा है, फुल सेंसर कैमरा है, और साथ ही में ये फोटोग्राफर्स के लिए एक ऐसा डिवाइस है जिससे वो अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को शो ऑफ कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए। खैर, इसका रिव्यू लेकर आए हैं हम आपके लिए, क्योंकि हम इसे एक हफ्ते से यूज कर रहे हैं। एक हफ्ते में इस कैमरे में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा वो सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में, तो इसे एंड तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मिलता है सपोर्ट, और सपोर्ट के साथ साथ आपका प्यार भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कैमरे की बात करें तो इसमें अभी हमने लगाया हुआ है 24-105 लेंस, जो कि इसका किट लेंस नहीं है, ये हमने अलग से परचेज किया था अराउंड 30,000 के आसपास, इसकी परचेज प्राइस पड़ती है। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता भी ये कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि अगर इसकी बॉडी और कैमरे की प्राइस की बात करें तो हमें 1,61,000 रुपये के आसपास पड़ा था। अब इसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो USP कह सकते हैं वो है इसका फुल फ्रेम सेंसर, जो कि आपको बजट कैमराज में देखने के लिए नहीं मिलता। बजट कैमराज में आप जाएंगे तो आपको क्रॉप सेंसर देखने का मिलता है, और जो लोग इसको नहीं समझते उनको बताना चाहूँगा कि क्रॉप सेंसर होता है आपको क्रॉप करके देने वाला, मतलब छोटे सेंसर में एक बड़ी फोटो खींचनी हो तो वो वहाँ पर काम आता है। इसमें आपको फुल फ्रेम सेंसर मिलता है जिसमें लाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बड़े सेंसर होने की वजह से अगर आप लो लाइट सिचुएशन में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा सोचना या समझना नहीं पड़ेगा, ये कैमरा उसको अपने में अच्छे से कैप्चर करके आपको बेटर रिजल्ट निकाल कर देगा। उसी के साथ साथ इसमें मिल जाती है आपको टिल्ट स्क्रीन, जो कि 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, और साथ ही में इसमें आपको मिल जाता है वर्टिकल मोड भी। तो अगर आप रील्स वगैरह बनाते हैं तो रील्स फॉर्मेट के लिए भी ये कैमरा एकदम परफेक्ट चॉइस बन जाता है। अब उसके साथ साथ हमें मिल जाता है कि इसमें डेडिकेटेड बटन वीडियो और फोटो के लिए। अब इसका फायदा क्या है, हम वीडियो खींच रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, उस टाइम पर अचानक से हमें लगता है कि फोटोग्राफी करनी है, तो हम बस इस बटन से टॉगल करेंगे एंड वो इंस्टेंटली स्विच कर जाएगा। इसके लिए अलग से हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको बंद नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ इसमें डेडिकेटेड मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और बाकी कैनन का जो इंटरफेस है वही इसमें दिया गया है, तो बहुत ईजी टू यूज सिंपल इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद अगर इसके हम फ्लैश पॉइंट की बात करें तो ये है स्मार्ट फ्लैश, यानी कि इसमें आप फ्लैश लाइट लगा ही सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इसमें माइक लगाना चाहते हैं तो कैनन जो डेडिकेटेड माइक आते हैं आप उसे कनेक्ट करिए, और आपको कोई वायर का झंझट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ऑडियो उस माइक से आने लग जाएगी। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं इस कैमरा के साथ जो आपको मिलने वाले हैं। अब इसके साथ मैं कुछ इसके फोटो सैंपल्स भी अटैच कर देता हूँ लास्ट में, ताकि आपको पता चल सके कि आप किस तरीके की फोटोग्राफी इससे कर सकते हैं। बाकी कैसे लगे फोटो सैंपल्स ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही में आप हमें अपने रिव्यूज जरूर बताइएगा कि आप ये कैमरा खरीदने वाले हैं या नहीं खरीदने वाले हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो जैसे मैंने आपसे कहा था लाइक करिए, और हमें अपने रिव्यूज नीचे जरूर लिख के दीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए सपोर्ट है और चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी भी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।